श्रोताओ आइए श्रवण करते हैं श्रावण मास महात्म्य द्वादश अध्याय। श्री शंकर भगवान ने श्री सनंत कुमार से कहा, हे तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूँगा। उस दिन साधक को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। 16 उपचार से भगवान शिव और पार्वती जी का अर्चन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवाधिदेव, हे जगतपते, हे सुरोत्तम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत कोई पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को देने चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भवानी के प्रीतार्थ तथा व्रत मूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायन देता हूँ। चावलों के आटे से बनाए गए 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए कि मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्त करने के लिए यह वायन देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासनी इसे स्वीकार करें। इस तरह 16 वर्ष 8 वर्ष 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। अर्चन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। सनंत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, इस व्रत को किसने किया था? इसका महात्म्य क्या है? आप यह सब मुझे बतलाइए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं सब कुछ तुम्हें बतलाता हूँ। हे महाभाग, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन धान्य से सुखी करने वाला है। प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे स्विला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नामक राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी तथा विशाला नाम की दो अति सुंदर रानियां थी। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे देह प्राण से चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां सिंह, सादूल, वाराह, अरना, भैंसे आती आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल हो राजा जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वहां पर एक तालाब देखा, जो कि भ्रमक, चक्रवाक, कांडव, पपीहा आदि जीवों तथा रंग बिरंगे विकसित कुमुद, उत्पल एवं कमल, मल्लिका, चंपेली आदि से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही हैं। उसने राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्यों को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा ने कहा, देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज, श्रावण शुक्ल तीज के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा पुरुष अपने हाथ दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में या गले में बांधी। बस यही इस व्रत को करने की विधि है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की कि हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की
दाई बाह में डोरा बंधा हुआ देखकर बड़ी रानी ने क्रोध का ठिकाना ना रहा और उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया मगर वह नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा हो गया, हरे रंग के ताजा पत्तों से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखकर उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतार कर अपनी बाई भुजा में बांध लिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा प्रत्यक्त तथा दुखी होकर वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया, मुनियों के यहाँ ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उसकी स्तुति की कि हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। मैं भगत वरप्रद, आपकी जय हो। हे शंकर वा मांगे, आपकी जय हो। हे मंगल मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा दोनों रानियों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियां सहित राजा शिवलोक को चला गया। शिवजी ने कहा, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। इस लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महामुने, तुम अब सावधान होकर इस व्रत की उद्धापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर सोले पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। दो श्वेत कपड़े और श्वेत यज्ञोपवीत रखनी चाहिए। यथा विधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए और उसके पश्चात आधान होम करना चाहिए। तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। वस्त्र अलंकार धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 वायनों को दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सपत्नी 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से सगे संबंधियों सहित भोजन करना चाहिए। श्रावण मास महात्म्य द्वादश अध्याय स्वर्ण गौरी का व्रत संपूर्ण। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करें। हम आगे और भी उपयोगी वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें, क्योंकि हम सभी कमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। धन्यवाद।